मैया को हर बैठा उसकी यही बीमारी थी। ओ राम जी से पंगा लेके रावण की मारी सीता मैया को हर बैठा उसकी यही बीमारी थी। राम जी से पंगा लेके रावण की मारी थी सीता मैया को हर बैठा उसकी यही बीमारी थी। जल गया लंका बन गया डंका हो गया रावण लीला। जल गया लंका बन गया डंका हो गया रावण लीला। ए राम हम केवल चाय नहीं बनाते पानी में उबाल के, अरे इसमें तो हम
तुलसी का पत्ता, कुटी हुई अदरक और हरी इलायची भी डालते हैं, और जब तक ये पूरी तरह से ना उबले तब तक महक कहां से आएगा? निश्चित रूप से। ज्यादा बातें ना बनाइए, जल्दी दीजिए। अरे आप कह रहे हैं तो बस ये लीजिए निश्चित रूप से। अरे महाशय जल्दी कीजिए। अरे 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 जल्दी का काम शैतान का होता है, ये दे दीजिए अखबारी बाबू। अरे लीजिए आप, बहुत अकबकाते हैं लगता है। महाशय घबरा के आए थे आप? अरे हमारा हाथ जल जाएगा, ये पकड़िए चाय। दुकान पे पंडित टी स्टॉल की बजाय पंडित जी चाय वाला क्यों लिखवाया है? ओ इसलिए भैया, ताकि आते जाते लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि ये जो व्यक्ति है वो अपनी मातृभाषा हिंदी से बहुत प्यार करता है निश्चित रूप से। अरे नहीं पंडित जी, मेरा इशारा पंडित जी और लिखवाने की ओर नहीं है, चाय वाले की ओर है। देखिए भाई साहब, हमारे देश में नेताओं और समाज सुधारकों के भरपूर कोशिशों के बावजूद भी जातिवाद पूरी तरह से मिटा नहीं है निश्चित रूप से। सो तो है। तो इसीलिए हम अपना नाम पंडित जी लिखवा दिए, ताकि ऊंची जाति के लोग यहाँ आराम से आकर बैठ के चाय पी सके निश्चित रूप से। और नीची जात वाले भैया धंधा करने बैठे हैं, वापस तो नहीं जाने देंगे निश्चित रूप से। चावल दे दो और मैं ऑमलेट भी खाऊंगा। अबे दुकान पे हसिया लीजिए पहले आप, नहीं हसिया लीजिए। अरे भैया दुकान पे टंगा हुआ ये बैनर तो देख लीजिए। देख तो रहा है। तो फिर चावल क्यों मांग रहा है निश्चित रूप से? क्यों, जिसको बैनर दिखाई दे उसको चावल नहीं मांगना चाहिए क्या? अरे महाशय उस पे लिखा हुआ पढ़ भी तो लो। पढ़ा लिखा होता तो तेरी दुकान मिली थी आके बैठने को। अरे ना ना बेटा, तब तू तो जाता सीधे रेडिसन ब्लू, वहां चाहे। अबे शक्ल देखी है आईने में निश्चित रूप से? बकवास बंद कर और काम की बात कर। अरे भाई साहब, ये चाय की दुकान पे चावल कहाँ से मिलेगी? तो पूछ क्यों रहा है क्या चाहिए? जो मिलता है वही पूछना चाहिए ना। अरे मेरा मतलब था कि ए, मतलब कुमार बोली आप चाय दे कितने की है? 5 रुपए की। एक काम कर, वो बाल्टी में प्याला रखा हुआ है उसे धो के ले आ। है? मैं नहीं ला रहा धो के, ग्राहक लाएगा प्याला धो के। बेटा चाय पीने तो धो के लानी पड़ेगी निश्चित रूप से। अगर ना लाऊं तो? तो चले जी, उसका भी उपाय है बेटा। है देते हैं अभी तुमको चाय निश्चित रूप से। ये पकड़ो अपना चाय। इस खिसारी भाई को तो प्याले में चाय दे रखी है और मुझ जैसे अमीर आदमी को इस कुल्हड़ में। हाँ तो बेटा, जो अपने ही प्याले धोने में ना नुकुर करते हैं उसको हम कुल्हड़ में ही चाय देते हैं निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि हम ठहरे गौड़ ब्राह्मण भारद्वाज पंडित, पढ़ लिख ना सके
तो चाय बनाने और बेचने का कारोबार करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है, कतई ये मतलब नहीं है चौबे जी कि हम ऐरे गैरे लोगों के जूठे प्लेट और प्याले धोते फिरे। निश्चित रूप से जात पे जान नहीं, चाय वाला जात पे जान नहीं, बोला ना जात पे जान नहीं, जात पे जान नहीं, मैं ऑमलेट खाऊंगा। अगर सबके लिए कूलर रख लो तो किसी का भी झूठा धोने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चल चल अपनी सलाह अपने पिछवाड़े में डाल, पैसा दे और रास्ता। ये लीजिए जी, रख लेते अपनी सलाह अपने पिछवाड़े में। पैसा दे। ये ले। अबे ये क्या तरीके है पैसे रखने के? चाय के 5 रुपए। अबे ये क्या तरीके है पैसे रखने के? मेरे पैसे है, मैं जैसे मर्जी वैसे रखू, जहां मर्जी वहां रखू, आगे रखू पीछे रखू, मुंह में रखू गांव में। मुझे इससे क्या है? अब हम मुंह से निकाल के थूक में सना हुआ सिक्का पंडित के हाथ में दे रहे हैं। पंडित जी मैं तो ऐसे ही पैसे दूंगा, तुझे लेना है तो ले वरना मैं चलूं। ए बेटा चाय ना फ्री में नहीं बनता है, चल 5 रुपए ले ले। लक्ष्मी अरे कहां से वृद्धि करोगे बालक, कहां से वृद्धि करोगे? अरे लक्ष्मी का इज्जत किया करो, दुष्ट कहीं का। पंडित जी है गैर जात के आदमी के थूक से सने सिक्के को रख सकते हैं और झूठे प्याले धोने में गलती होती है। अरे अरे प्याला काहे तोड़ दिया, अरे इसमें हम तुम्हारा जैसे 4-5 को और पिला के 5 रुपए वसूल कर लिए होते। इस प्याले की कीमत और इसे भी धोके रख ले और मैं चला ऑमलेट खाने। भाग भाग टीके बोस डिके भाग भाग पने टीके बोस डिके आली पने चल चल चल। छोटा बड़ा ना आदमी सब है एक समान, छोटा बड़ा ना आदमी सब है एक समान, धन दौलत रंग रूप का करो नहीं अभिमान, करो नहीं अभिमान व्यर्थ का भेद ना करिए, मिलो सभी से सदा प्यार सब में नित भरिए। कह कवि है जाति धर्मगत चिंतन खोटा, कह कवि है जाति धर्मगत चिंतन खोटा, हर मानव है ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा।